हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद। और आज मैंने अपने घर में ये फिश फ्राई को बिहारी स्टाइल में बनाया है। तो आइए चलिए हम लोग फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कि इस बिहारी स्टाइल में फिश फ्राई को मैंने कैसे बनाया है और उसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। बिहारी स्टाइल फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने 1 केजी के आसपास फिश लिया है और इसे अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है। इसे अब हम लोग मैरिनेट करेंगे। इसमें सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे। सब कुछ अंदाजे से मैंने डाला है, अभी अंदाजे से ही डालें। ये ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 चम्मच के आसपास मैंने डाला है। अब इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये 1 छोटी चम्मच मैंने डाला है। आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डाल देंगे, 2 पिंच के आसपास। इसमें काला नमक डालेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच। इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच मैंने लहसुन के पेस्ट को लिया है। अब इन सबको हाथ से अच्छी तरीके से मसाज जैसे करते हुए पूरी तरीके से मिला लेंगे। ये चूंकि मैं बिहारी स्टाइल में बना रही हूं तो एक बार आप भी इस तरीके से बनाकर देखें कि मेरी बनाई हुई ये तरीके से आपको कैसी लग रही है ये फिश। ये देखिए, मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब इसे 2 घंटे के लिए एक साइड में इसे ढककर हम लोग मैरिनेट होने देंगे। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा, इसमें 2 से 4 चम्मच के आसपास, बहुत ज्यादा ऑयल हमें यूज नहीं करना है, ऑयल डाल देंगे और इसमें इस फिश को धीरे से डालेंगे। इसे हाई मीडियम टेम्परेचर पर हमें गोल्डन कलर आने पर इसे फ्राई करना है। अब इसे हम लोग दूसरे साइड भी पलट कर गोल्डन कलर कर लेंगे। ये देखिए कितना शानदार दिख रहा है, वाव। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज्यादा ही तेज टेम्परेचर हो गया है तो थोड़ा मीडियम टेम्परेचर पर हम लोग कर देंगे। फिश थोड़ा तेज आंच पे ही बनता है तो अच्छी तरीके से उसका टेस्ट निकल कर आता है, नहीं तो लो टेम्परेचर पर वो फिश टूट जाता है जल्दी। इसीलिए मैंने हाई मीडियम टेम्परेचर पर इसे रखा है। देखिए हमारा गोल्डन कलर का ये फिश हो चुका है पूरा फ्राई। आइए अब इसे निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए कितना शानदार और यम्मी दिख रहा है। आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं हम लोग। ये देखिए रख दिया है, कितना शानदार और यम्मी दिख रहा है दोस्तों। मेरी बनाई हुई ये बिहारी स्टाइल फिश फ्राई अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल फूडी अनीता को लाइक कमेंट और शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। बाय बाय।